यूट्यूब चैनल गाड़ी घोड़ा एक्सपेरिमेंट यार। आज अपने 75 डेज डेली एक्सपेरिमेंट चैलेंज का 46वां दिन और ट्रेन बनाने का जी हाँ यार गाइस, आज जो अपना मोटा भी तैयार होके आ चुका है यार। दो दिन पहले ये अपनी ट्री हाउस से नीचे धड़ाम से गिर गया था और यार बेहोश हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि इसको इस गेंडे को थोड़ा सा आराम करवाना। वैसे तो यार शरीर के हिसाब से तो कुछ नहीं भी करना चाहिए, बट पता नहीं यार ये बेहोश हो गया था। कोई नहीं, खैर कल बनाया हमने अपनी ट्रेन का बेस। और यार कल मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी हरदा नहीं थी, तो उसकी वजह से यार एनर्जी लेवल भी जीरो था। बट कोई नहीं यार, आज करते ना कमाल धमाल, आज करते अपनी से ट्रेन को कंप्लीट और फिर देखते कि भाई आज कितना काम इसका कंप्लीट हो जाता। उससे पहले आज निकलवाते हैं मोटर से दो दिन की कसर, यानी कि इसने दो दिन से डांस नहीं किया। बसंती नाच तू ये बताते रहो, गिरती टाइम कैसा फील हुआ? ऐसा लगा जैसे कोई मेरे को था ही नहीं तेरे को। ऑलराइट यार गाइस, जो भी चैनल में नहीं चलूंगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। हम करते हैं आज के काम की शुरुआत। हाँ तो यार भाई, ट्रेन का इंजन बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे काफी सारा लोहे का सामान, पाइप, सरिया, एंगल वगैरह। उसके लिए हमने टेम्पो में सामान मंगा लिया है और इसको उतारते हैं और फटाफट से करते हैं भाई अपने ट्रेन के इंजन को कंप्लीट। हाँ तो यार भाई, सबसे पहले क्या करने वाले, जो ये अपनी ट्रेन करी ना बीमार ट्रेन की तरह, तो इसको सही करना पड़ेगा, अदरवाइज यार ये टूट सकती है। कल हमने सपोर्ट तो लगाए थे पर यार वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा जो है भारी भरकम ये बनने वाली है। और उसके लिए हमने सामान मंगा लिया, आप लोगों ने देख लिया है। अब यार बहुत सारे भाई लोगों के मैसेज आते हैं कि भैया आप जो है यार कि अब वो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ क्या, हुआ क्या? तो भैया जी अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, तो फिर आप बोलोगे भाई इतना सामान कहाँ से ला रहे हो? तो यार कल हमने एक हमारी दादी की बकरी गायब कर ली, बस 15,000 रुपये बटे उससे अपनी ये वीडियो तो कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम और देखेंगे। ठीक है भाई लोगों, तो करते हैं यार काम को शुरू। भाई कल अपने इस फ्रेम के ऊपर हमने दो सपोर्ट वेल्ड किए थे, एक ये वाला एक वो वाला, फर्स्ट और सेकंड। अब करने वाला है यार यहाँ पे एक और एक वाप, ताकि इसकी जो वाइब्रेशन है वो ख़त्म हो जाए। और हमने इसको एक काफ़ी हद तक लिफ्ट करके जेक लगा के उसके ऊपर पत्थर रख दिया है, ताकि यार ये वाइब्रेट ना हो और एक जगह हम फिक्स वेल्ड करें वहीं पे रुक जाए। तो फटाफट से इन दोनों सपोर्ट को वेल्ड करते हैं और फिर देखते हैं आगे का काम। हाँ तो यार भाई, अपने इस फ्रेम ने डांस करना बिल्कुल बंद कर दिया, अब हिल रही है तो पूरी गाड़ी के साथ हिल रहा है। और यार हमें इस जो दो स्टॉपर लगाए थे इनको हटा के थोड़ा नीचे लगाना पड़ेगा, क्योंकि यार ये अपनी डिज़ाइन के हिसाब से मैच नहीं हो रहे। और अपन के कार वगैरह, थार वगैरह, बाइक वगैरह तो डेली यूज़ में लेते हैं और डेली देखते हैं उनको, तो यार हमें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है, बट यार ट्रेन का हमारे काम नहीं पड़ता रोज़, तो यार थोड़ी बहुत इसमें दिक्कत हो रही है। बट कोई नहीं, करते हैं इनको वापस से हटाते हैं और थोड़ा नीचे इनको शिफ्ट करते हैं, क्योंकि यार अगर यहाँ से अपन केबिन बनाना स्टार्ट करेंगे तो बड़े अजीब लगेंगे फाइनल लुक आने के बाद। तो अभी से ही अपने इसको सही कर लेते हैं यार गाइस। हाँ तो यार भाई लोग, अब जो है अपन इसकी बॉडी का काम चालू करते हैं। फ्रेम इसका फुल मजबूत हो चुका है और यार बॉडी बनाने वाले हैं यहाँ से। और इसकी जो हाइट है 34 से रहने वाली है भाई साहब, 6 फीट ऊपर। तो भैया जी ये कुछ इसका फ्रेम होने वाला है, तो मैंने इसकी एंगल काट लिए, अब इसको जोड़ते हैं फटाफट से और इसकी केबिन का शेप कंप्लीट करते हैं। और यार मैं सोच रहा था कि भैया जी इसकी केबिन बनाने से पहले एक बार रियल ट्रेन को मैं देख के आ जाऊँ, ताकि यार जो पूरा का पूरा आइडिया है माइंड के अंदर आ जाएगी हमें इसको बनाना कैसे है, कैसे इसको वो मेड करना है। तो फटाफट से पहले मैं अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन जाता हूँ पुष्कर, वहाँ पे ट्रेन को देख कर आता हूँ, उसको समझ कर आता हूँ कि भाई यार उसका ओवरऑल जो लुक है वो रियल में कैसा है। फ़ोन में यार इतना समझ में नहीं आ रहा, तो यार मैं नहीं चाहता कि अपना पूरा का पूरा जो गेम है ना वो बिगड़ जाए। तो गेम बिगाड़ने से पहले हम चलते सीधा रेलवे स्टेशन और वहाँ पर चल के देख कर आते हैं एक ट्रेन। हाँ तो यार भाई, हम आए थे रेलवे स्टेशन, बट यार यहाँ पर मंगलवार को ट्रेन नहीं चलती है, तो भैया जी घुसने नहीं दिया स्टेशन में। तो बट हमने ट्रेन तो देख ली यार, पर इंजन नहीं देख पाए, वेरी बैड। बट कोई नहीं यार, हम अपना ही गणित भाग लगाते हैं, गुणिया भाग, और बनाते हैं भाई। तो लेट्स गो, वापस चलते हैं आ जाओ, वरना पता पड़ा यहाँ पर डंडे पड़ने लग जाएंगे भाई बिना पूछे आगे, ऐसा लपड़ा नहीं करने वाले हम तो, एक्सपेरिमेंट भारी पड़ जाएगा। ऑलराइट यार गाइस, खासा देर माथापोटी करने के बाद फाइनली जो अपनी ट्रेन का फ्रंट फेस है वो बन के तैयार हो चुका है। तो यार ऐसा कुछ उसका डिज़ाइन रहने वाला है टेपर के अंदर, यार जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है हूबहू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सामने का कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं ऐसा कैसे बनाते हुए।
पीछे की तरफ, तो देखिए लीजिए मजा। ऑलराइट यार गाइस, तो काफी देर मेहनत करने के बाद अपनी जो स्वदेशी ट्रेन है यानी कि होममेड पतंजलि ट्रेन है उसका शेप बन चुका है भाई। फ्रंट ग्रिल बन गई है अपनी और ये पीछे की केबिन आ गई है, तो यहाँ से तो ये पतली रहने वाली, यहाँ पे ग्रिल रह जाएगी, देन उसके बाद ये जो पूरा का पूरा डब्बा है वो पैक हो जाएगा। बाकी यार सच में फाइनल जो लुक आएगा ना, माँ की सोगन एक नंबर आने वाला है। तो यार आपको ऐसे तो विश्वास होगा नहीं, तो बने रहो वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और देखते जाओ। और भाई सब काफ़ी कुछ यार एंगले खड़ी हो गई है, जो हम सुबह लोया लेके आए थे ना वो तो सब पान नट गया है। थोड़ा घना कि बच्चा मेरे को लगा है दादी की एक बकरी और बेचनी पड़ेगी, लेकिन भाई हक़ा नहीं करना, किसी को भी पता नहीं पड़ना चाहिए, ये बात आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए। बाकी हम बनाते हैं ट्रेन और आप लीजिए वीडियो का मज़ा। हाँ यार गाइस, फाइनली जो बॉडी हम बना रहे थे ट्रेन के इंजन के शेप की, उसका जो आउटर फ्रेम है वो बन के तैयार हो चुका, और फ्रंट लुक तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा हाइट में लग रहा है। बाकी यार पूरा कंप्लीट होने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा जो है भारी भरकम वो लगने वाला है, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई साहब इतनी हाइट में इसका जो फ्रेम बन चुका है, और यार रफली इसकी बॉडी का शेप तो इसमें आ गया है, ये नीचे का पूरा प्लेटफॉर्म हो गया और ये इंजन के शेप का डिज़ाइन हो गया। अब ये करने वाले यार हम इसका जो भी फ्रेम बना है ये इसको ऊपर लगाने वाला है मेटल की शीट, मेटल या कार्डबोर्ड जिसकी भी शीट लगाएंगे उससे इसको कवर करके पूरे को, और एक पूरा का पूरा जो ट्रेन के इंजन के ऊपर डिज़ाइन आती है वो डिज़ाइन बनाने वाले हैं। अब यार एक पीछे की बॉडी का काम बाकी बच गया है, हाफ तो कंप्लीट हो गया है, अब एक फ्रेम और बनाना है ऐसा कैसा सीधा आके यहाँ तक। ऑलराइट यार गाइस, तो फाइनली जो अपने स्टॉपर है वो बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, इनको सामने से पैक कर दिया है। अब यार जो फ्रंट ग्रिल है ना उसके अंदर जो ये जगह बची हुई है वहाँ पे लगेगी यार मेटल की शीट, तो उसमें से काटते हैं पीस को और उसको फिक्स करते हैं और फ्रंट ग्रिल को करते हैं भाई कंप्लीट। ऑलराइट यार गाइस, तो फाइनली अपनी जो फ्रंट ग्रिल है वो बनके तैयार हो चुकी है। तो भैया जी सरियों के साथ साथ साइड में जो गैप था उनको भी हमने कवर कर दिया, और फाइनली यार अब जाके थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ ट्रेन का जो नीचे का मामला आता है, जो प्लेटफॉर्म से नीचे का आता है वो बन चुका है, उसकी जो लुक वो आ रही है, और ऊपर की बॉडी भी बन गई। यार थोड़ा बहुत इस गाड़ी को आगे लेता हूँ क्योंकि यार पेड़ की वजह से आपको ये फ्रेम क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो आगे लेते मोटे थोड़ा बहुत। ले तू डांस तो कर यार, क्या कर रहा है आज। हाँ तो यार भाइयों आगे लेते हैं अपनी इस ट्रेन को और फिर इसका जो बॉडी का लुक है पूरा का पूरा वो आपको दिखाते हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते यार, बैटरी वगैरह सर वार छुड़ाए हुए, तो धक्का मार के आगे लेते हैं इसको। चार्जर वाली गाड़ी, तो यार गाइस आप लोगों ने देख लिया कि सेकंड पार्ट के अंदर हमने ट्रेन का इंजन के काम कितना कंप्लीट कर दिया है। काफ़ी काम तो हो गया, जैसे कि यार ये फ्रंट ग्रिल का और जो इसका फ्रेम है वो बन चुका है, यानी कि 50% हम मान सकते हैं भाई काम कंप्लीट हो गया, अब जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यार भाई लोगों इस सेकंड पार्ट को करते हैं हम यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी या इसके अंदर जो भी कोई कमी पेशी हो तो आप कमेंट करके बता देना, हम उसे पूरा कर देंगे। इसी के साथ करते हैं सेकंड पार्ट को यहीं पे एंड, मिलता है आप लोगों से कल थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय जय भारत।